अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो लोग सऊदी से नए आ रहे हैं उन्हें कौन सा सिम कार्ड खरीदना चाहिए और सिम कार्ड खरीदने के बाद क्या करना चाहिए। और हो सकता है जो लोग सऊदी अरब में पुराने हो और सिम कार्ड पासपोर्ट से खरीदे हो उन्हें ये चीज नहीं मालूम होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं जो लोग सऊदी अरब में नए आ रहे हैं उन्हें कौन सा सिम कार्ड खरीदना चाहिए और कहां से खरीदना चाहिए। तो देखिए, सिम कार्ड जो है दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर कहीं भी आप खरीद सकते हैं पासपोर्ट के जरिए। पासपोर्ट के जरिए आप कहीं भी सिम कार्ड खरीद सकते हैं। पासपोर्ट का एप्लीकेशन वगैरह होने के बाद आप सिम कार्ड जो है किसी भी काउंटर पे, वहाँ काउंटर बने रहते हैं, काउंटर पे जाएंगे आप पासपोर्ट देंगे तो वो आपको सिम दे देगा उस देश का जिस देश में आप आ रहे हैं। पर मेरा कहना है, मेरी राय है कि आप वहां से सिम कार्ड ना खरीदें। सऊदी अरब आ रहे हैं तो सऊदी अरब में ही आके सिम कार्ड खरीदें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी राय है कि आप यहाँ सऊदी अरब में आकर ही सिम कार्ड खरीदें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपके सिम कार्ड में, तो आप जाके किसी भी प्रोवाइडर में ऑफिस में जाके बोल सकते हैं कि हमारा सिम कार्ड बंद हो गया, तो वो फिर जो है आपका पासपोर्ट लेगा और पासपोर्ट लेकर के आपको सिम चालू कर देगा। अब रहा सवाल, सऊदी अरब में आकर हम कौन सा सिम खरीदें जिसका नेट अच्छा हो, जिसका नेटवर्क अच्छा हो। तो जिस तरह इंडिया में अपने बहुत सारे कंपनी है, जिस तरह बहुत सारे प्रोवाइडर है, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, बहुत सारे हैं, उसी तरह सऊदी अरब में भी है, HTC है और लिब्रा है, जैन है, फिर मोबाइल भी है, बहुत तरीके के सिम है। HTC जो है यहाँ का गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो है HTC, यानी सऊदी टेलीकॉम कंपनी, ये यहाँ का बढ़िया बढ़िया सिम है, यहाँ का नेटवर्क भी अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने बॉर्डर नंबर से, यानी पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से सिम खरीदा हुआ है, तो वो 90 दिन के अंदर अपना इकामा जब बन जाए तो जाकर अपडेट इकामे के नंबर से करा ले, इकामे से करा ले, नहीं तो उनका सिम बंद नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इसे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, शुक्रिया।